Hello students, welcome to Allotrope classes, one step ahead for learning, where we help you to achieve your goals. Students, आपका चैप्टर चल रहा है क्लास 12 में एल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर. उसमें एल्कोहल्स के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं. आज हमने यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है एल्कोहल से, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या आपके क्लास 12 का एग्जाम हो. वो क्वेश्चन है आपका बच्चों, Why are alcohol weaker acids than water? Means, alcohol जो है उनके acidic character water से क्या होता है, कम होता है, उसका क्या reason है. तो इसे हम समझेंगे क्वेश्चन को, important question है और easily आपको clear हो जाएगा. चलिए देखते हैं. यहां पर मैं structure draw कर रहा हूं water की. ये आपकी water की structure होगी और यहां पर मैं एक alcohol ले लेता हूं. अभी प्राइमरी सेकेंडरी की बात नहीं करेंगे, हम केवल अल्कोहल की बात करेंगे, जनरल फॉर्मूला. ठीक है, ये आपका वाटर हो गया और ये आपका अल्कोहल की स्ट्रक्चर होगी. ये वाटर की स्ट्रक्चर, ये अल्कोहल की. अब यहां पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ऑक्सीजन जो है आपका, वो कितने हाइड्रोजन एटम से अटैच है. यहां पर दो हाइड्रोजन एटम से, यहां पर ये एक ही हाइड्रोजन एटम से क्या है, अटैच है. ओके, अब यहां पर जो हमारा दूसरा एटम जिससे ऑक्सीजन अटैच है, वो हमारा क्या है, एल्काइल ग्रुप है. और एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो कैसा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे, ये हमारा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे. ठीक है, तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करने की वजह से ऑक्सीजन पर हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई एट ऑक्सीजन एटम. ओके, इतना क्लियर हुआ आपको. ओके, अब जब आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन एटम पर एल्कोहल के ज्यादा हुई, तो OH बोन जो है आपका, OH बोन इन एल्कोहल्स इज स्ट्रोंगर देन OH बोन इन वाटर. जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी ऑक्सीजन एटम पर ज्यादा हुई है अल्कोहल में, तो वो बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा देन वाटर से. तो यहां पर क्या होगा, इस बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए, मतलब इसमें से डीप्रोटोनेशन, प्रोटोन का सेपरेट होना, डीप्रोटोनेशन इज टू डिफिकल्ट देन वाटर. जब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब आप प्रोटॉन को इजीली नहीं निकाल पाएंगे. अब इजीली इसमें से नहीं निकाल पाए तो क्या हो गया, इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी, है ना, किसकी, एल्कोक्साइड आयन की, जो हमारा एल्कोहल से बनेगा. तो क्योंकि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो आप उससे प्रोटॉन को इजीली नहीं निकाल पाएंगे. जो आपके कंपाउंड्स प्रोटॉन इजीली देते हैं, जितना इजीली देते हैं उनका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है. बट ये तो क्या कर रहा है, प्रोटॉन को इजीली डोनेट नहीं कर रहा है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा नहीं होगा. क्या ज्यादा होगा, इसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. मींस अल्कोहल आर लेस एसिडिक देन वाटर. यही क्वेश्चन था हमारा कि अल्कोहल्स आपके क्या है, वीकर एसिड्स हैं देन वाटर. अब वो उसका रीजन क्या है, ये रीजन है आपका, मेन रीजन ये है आपका, alcohols are weaker acids than water due to alkyl group which is electron donating group and it show positive inductive effect. So the electron density on the oxygen atom becomes high. So the proton deprotonation is too difficult than water. जो आपका alcohol है उसमें से आप क्या क्या है, alkyl group present है जो कि एक electron donating group है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ऑक्सीजन पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे इंक्रीज होगी, अब ये जो एल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये इसे देगा ना इलेक्ट्रॉन, डोनेट करेगा तो इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पर ज्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो यहां से आप प्रोटॉन को इजीली नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वो तो क्या करेगा, प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं.
तो प्रोटॉन जब आप इजीली नहीं निकाल पाएंगे तो इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इंक्रीज क्या होगा इसका, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। ओके अब चलते हैं, चलिए अगर हम कंपैरिजन करते हैं प्राइमरी अल्कोहल का या सेकेंडरी अल्कोहल का तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सपोज आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है और टर्शियरी है, ठीक है। तो पहले हम कौन सा नोट कर लेते हैं, चलिए प्राइमरी नोट करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल आपका ये हो गया, फिर मैं नोट कर लेता हूं आपका सेकेंडरी अल्कोहल, और देन हम नोट करते हैं क्या, टर्शियरी अल्कोहल। ये आपका प्राइमरी हुआ, ये आपका सेकेंडरी हुआ, ये आपका टर्शियरी हो गया। अब क्या है, देखिए कि यहां पर एक एल्काइल ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक हुआ, यहां क्या हुआ दो, और यहां क्या हुए तीन। अब देखिए इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इस पर थोड़ी और इंक्रीज होगी, इस पर ज्यादा, क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो ये वीक होगा, वीक होगा तो इजीली क्या दे देगा, प्रोटॉन। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, देन होगा सेकेंडरी का, लास्ट होगा प्राइमरी का। तो एसिडिक कैरेक्टर अगर हम तीनों एल्कोहल का देखते हैं तो क्या होगा, वो प्राइमरी का होगा सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी का होगा, और लास्ट में आपका किसका होगा, टर्शियरी का होगा। और अगर हम बेसिसिटी की बात करें, बेसिसिटी क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ होगी इनके एल्कोक्साइड आयन की, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोक्साइड आयन तो किसकी होगी। अब इसका एल्कोक्साइड आयन क्या हो जाएगा, देखिए आर सी एच टू ओ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहां दो, यहां दो, यहां एक निगेटिव, आयन की बात हो रही है, यहां हो जाएगा क्या आर टू सी एच और ऑक्सीजन पर छह इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऐसे ही हो जाएगा आर थ्री सी ऑक्सीजन पर वन टू थ्री फोर तीन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। अब क्या है, जब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऐसे इंक्रीज हो रही है, प्राइमरी ज्यादा क्या है एसिडिक है, तो बेसिक कौन ज्यादा होगा, टर्शियरी, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, बट मेन क्वेश्चन हमारा क्या था, वाई आर एल्कोहल वीकर एसिड्स देन वाटर, जो कि आपको आई होप अब क्लियर हो चुका होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है और आया हुआ है, तो इसके आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द वीडियो।